चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज बाजार जैसा समोसा चाट बनाना सिखाते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाना, तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल गर्म कढ़ाई पे डाला है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, इसको कुछ सेकंड तक फ्राई करना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 टीस्पून प्याज और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको कुछ सेकंड तक भून लेना है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी इसलिए डालते हैं कि मसाला जले नहीं, और मसालों को कुछ सेकंड तक अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए इस तरह से भूनना है। अब इसमें कटा हुआ 1 कप टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं कि टमाटर गल जाए। टमाटर और नमक को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से पकाना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें भींगा हुआ मटर, जिसे मैंने रात भर पानी में भिंगो के रखा था और 2 से 3 सीटी प्रेशर कुकर में पका लिए थे, इसमें डालेंगे। बॉइल्ड मैश पोटैटो, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल पोटैटो। देखिए इस तरह से, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो बनेगी थोड़ा अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पहले मैंने नमक यूज किया है। और 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम में पका लेना है। अब गैस का फ्लेम को बंद कर देते हैं। अच्छी तरह से पक गया है। अब एक समोसा को लेकर इसको तोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से तोड़ना है। अब इसके ऊपर मटर का छोला को डालना है समोसा के ऊपर। देखिए और इसके बाद इसमें दही 4 से 5 चम्मच डालेंगे। देखिए इस तरह से दही डाल रहे हैं। थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए इमली की चटनी, खट्टा मीठा, जो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं जाके। थोड़ा सा इसमें ग्रीन चटनी डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग, और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज इसके ऊपर, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डालेंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। बहुत ही अच्छा बना है, आप लोग घर पे इसको जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।